में वन विभाग अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने में जुटी हुई है। सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए वन विभाग लगातार वन पंचायतों में वॉच टावर लगवा रही है, लेकिन अब ग्रामीण इन वॉच टावरों का विरोध करने लगे हैं। विरोध की एक ऐसी तस्वीर पौड़ी से सामने आई, जहां लोगों ने वन विभाग की ओर से लगाए जा रहे वॉच टावर का विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल वन विभाग निस्नी वन पंचायत में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए एक वॉच टावर लगवा रही है, लेकिन ग्रामीणों ने अभी से ही इस वॉच टावर का विरोध करना शुरू कर दिया। टावर के विरोध में ग्रामीणों ने एक बैठक भी की। इस दौरान लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगर आप लड़का जो ये कैंसिल होगा तो अभी यहाँ प्रस्ताव बन जाएगा, लेटर दे के कैंसिल होगा। ठीक है ना, विभाग ने मुझे फंसाया। कल पटवारी ने कहा कि मैं आऊँगा सुबह, अगर हमारा भाई बंधु आपस में कबाल फूट जाऊँ। ग्रामीणों का कहना है कि इस वॉच टावर से वन पंचायत की भूमि को क्षति तो पहुंच ही रही है, साथ ही वॉच टावर लगाए जाने से वॉच टावर की आड़ में कुछ बाज के वृक्ष भी काट दिए गए हैं, जिस पर अब ग्रामीणों ने एतराज जताते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी ऐसा था कि पहले जो है वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव आया था कि हमें जो है भूमि की आवश्यकता है। वो प्रस्ताव मैंने ग्राम सभा में वन पंचायत की बैठक बुलाई थी, उसमें कुछ व्यक्ति आए थे, 45-46 व्यक्ति आए थे, लेकिन वो प्रस्ताव मैंने विभाग को दिया था। उसके अलावा ना विभाग को मैंने पर्सनल कोई लेटर दे रखा है, ना विभाग को मैंने ये बता रखा है कि आपने ये भूमि पे काम करना है या आपने यहाँ पे काम करना है। इसके अलावा अगर मैं तो अपनी ग्राम सभा के साथ जाऊँगा जहाँ मेरी ग्राम सभा इच्छुक होगी। मेरी ग्राम सभा की सहमति ये है कि हमारा मंदिर परिसर में ये वॉच टावर ना बने, और मैं ग्राम सभा के स्तर से इस प्रस्ताव को पारित कर रहा हूँ कि इस भूमि पर ये वॉच टावर ना बने। नहीं, दो तीन तो आ रखे हैं, लेकिन जहाँ डीएफओ साहब ने कहा था कि साहब हम आएंगे, रेंजर साहबों को फ़ोन कर रहा हूँ साहब, उन्होंने भी जो है अपने विभाग में पहले ही बोल दिया साहब हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकते। तो ये तो जो है अंदरूनी बातें हैं, क्योंकि हमें ही सिर्फ ग्रामवासियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, तो ये उचित काम नहीं है, इसलिए जो है मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूँ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को भी एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने डीएम से वॉच टावर के काम को रुकवाने की मांग की है। पंजाब केसरी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।